सब्सक्राइब कीजिए एफ़ के ग्रु चैनल को और बेल आइकन को भी दबा दीजिए हमारे लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए चलिए दोस्तों हम आगे चलते हैं हेलो दोस्तों so, आप देख रहे हो एफ़ के ग्रु चैनल दोस्तों आज बात करने वाले हैं बरसात के मौसम में बकरी को पेट की समस्या से कैसे बचाएं इससे पहले चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक आप जरूर कर दीजिएगा आज बात करने वाले हैं कि समस्या जो होती कैसे है पहले तो बरसात के मौसम में होता ये हो कि जब नया नया जब घास जब निकलता है ज़मीन से तो होता क्या है कि उसके ऊपर कीड़े मकोड़े या फिर उसमें पानी ज़्यादा होती है बरसात के मौसम में और उसको बकरी जो है बहुत ही चाव से या और भी जानवर बहुत ही चाव से खाते हैं क्योंकि बहुत नरम होता है और उनको टेस्टी लगता है इसके लिए वो बड़े चाव से खाते हैं इस कारण से जब उसमें कुछ कीड़े मकोड़े या बैक्टीरिया ऐसा होता है जो पेट के अंदर चला जाता है और वो उनको नुकसान करता है ये इसी चीज़ के बारे में जानेंगे अभी बारिश का मौसम शुरू हो गया है ऐसे जो भाई अपने बकरियों को खुले जगहों पे अगर आप घुमा रहे हो या चढ़ने को छोड़ते हो उससे आपको सावधान रहना है क्योंकि बहुत सा जगह जहाँ खास करके जो नीचा जगह है जो नीची जगह है वहाँ पे आप बकरी को अपने चढ़ने ना दें क्योंकि वहाँ पे घास जो होता है काफ़ी एट्रेक्टिव घास पैदा होता है जो बकरी को बहुत ही लुभाता है और बकरी खास करके वहाँ पे जा कर खाती है और बाद में पेड़ में पेट में गड़बड़ी होता है फिर खाना नहीं खाएगी लूज मोशन होगा ऐसे बीमारियाँ होता रहता है इससे आपको बचाना है कीड़े मकौड़े से भी बचाना है आपको क्योंकि बकरी खाने की इसमें वो ऐसी चीज़ खा जाती है कि बाद में उसको पता नहीं चलता कीड़े कि मकौड़ा उसके ऊपर भी बैठा हुआ है इस चीज़ में आपको बचाना है तो इस समस्या का एक साधारण घरेलू उपाय है जो आपको मालूम होगा कि आप खाने वाला सोडा आपको मालूम होगा जो खावा सोडा ही बोलते हैं जो आदमी लोग खाता है जिस हम लोग खाने में यूज करते हैं उसको आपको करना क्या जहाँ आपका बकरी फार्म है उसके अंदर दो चार जगह रख देना है ये नहीं कि आपको जो चोकर भूसा या फिर और भी कुछ खिला रहे हैं उसमें मिक्स करके नहीं खिलाना है उसको आपको फार्म में एक सादा जगह पर कहीं पे प्लेट में लेकर दो तीन जगह रख देना है कि बकरी को वहाँ पर ले जाकर उसको खिलाना है वो अपने मन से जितना खा ले ये नहीं कि आपको जानवर को किसी चीज़ में मिक्स करके खिलाइएगा तो उससे ये होगा कि वो ज़्यादा भी खा लेगी क्योंकि टेस्ट चेंज हो जाता है इसलिए नुकसान करेगा तो बकरी को बस वहाँ पर ले जाकर कहीं रख दीजिए और वहाँ पर फार्म के अंदर उस बकरी को वहाँ पर ले जाइए अपने मर्ज़ी से जितना खा ले बस उसके लिए वो उसके लिए बहुत ही फायदा होगा पेट में दर्द नहीं होगा गड़बड़ी काफी इसे सहायता उसको बकरी को मिलेगा ओके दोस्तों